जगन्नाथ बलदेव महाराणी की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। प्रभुपाद की जय। सांबेल भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविनाद स्वामी नामे। नमस्ते सारसत्य देव गौरवाणी प्रचारिणे देवीशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक पढ़ेंगे, उसको ये पांचवी स्कंद है, फाइव चैप्टर फाइव टेक्स्ट नंबर वन, ये पहला वर्ष है। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसको भगवान श्री ऋषभदेव ने कहा था अपने पुत्र को। ऋषभदेव कौन जानते हैं ना? ये भरत महाराज जानते हैं, भरत महाराज के नाम जान सकते हैं? सुना है आप लोग? जिसके नाम पे भारत वर्ष इसका नाम हुआ, भरत महाराज उनका पुत्र थे ये ऋषभदेव। भरत महाराज के ये भगवान की ये सत्यावेशा बताया ना ऋषभदेव, ये उनका 100 पुत्र थे। तो सब पुत्र को एक बार उन्होंने एक सब साधु महात्मा लोग आए थे, वहां पे एक बहुत बड़ा आयोजन किया सभा का, तो उसमें उनको शिक्षा दे रहे हैं ये ऋषभदेव कैसे अपने पुत्र को शिक्षा देना चाहिए। ये सिखाते हैं अपने जो आप घर गृहस्थी हम लोग किए हैं, तो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहिए। ये ऋषभदेव अपने पिता होके अपने पुत्र को शिक्षा देते हैं। कहते कि नायम देहम देहभाजम नृलोके कष्टान कामन अहर्त बीड़ी भुजम तपो दीपम पुत्र का जैन सत्कृतम शुद्ध ये तस्मात ब्रह्म सूक्ष्म तो अनंतम। ऋषभदेव कहते हैं कि सब हिंदी समझते हैं ना, सब आता है। तो ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्र को, हे पुत्र, ये मनुष्य शरीर हमको जो मिला ये इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। तो इंद्रिय भोग तो इतर का प्राणी करते हैं, सुकर कुकर ये भी करते हैं। सुअर जैसे रास्ता हम लोग देखते हैं ना, सुअर पिग ना हॉग जो बोलते हैं हम लोग, और कुत्ते है ना, ये लोग उनके शरीर में भी करते हैं इंद्रिय भोग। तो हम लोग मनुष्य होकर जब उसी इंद्रिय भोग में रहेंगे तो फिर हम लोग उनसे क्या बड़ा है ना। तो देखिए ये पिता होने के नाते कितना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं अपने पुत्र को कि अपना जीवन जो मनुष्य जन्म हमको मिला ये कितने मूल्यवान है। कि कहा गया कि 84 लाख जीव जो नहीं घूम घूम के हम लोग ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ, इसलिए कहते हैं कि दुर्लभम मनुष्य जन्म। अरे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ, और ये मनुष्य शरीर कहाँ प्राप्त हुआ, भारतवर्ष में। हम लोग भारतवर्ष में जन्म हुए, जहां पे भगवान ने पूरा सारे अपना लीला किया, अवतार किया, यही भारतवर्ष में। तो इसलिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। तो इतने भाग्यशाली होने के नाते, भाग्यवान होने के नाते, जब हम लोग इंद्रिय भोग में रहेंगे, कुत्ते बिल्ली का जीवन जैसे जिताएंगे, तो फिर हमारा क्या लाभ होगा। तो ये कहते तो फिर कैसे हम लोग जीवन में सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि सुख पाने के लिए तो सभी लोग चाहते हैं, है ना। नहीं, सभी चाहते हम सुख में रहें, लेकिन सुख में रहने का क्या मार्ग है। ये कहते हैं कि तपो दिव्यम, आप जीवन में तपस्या कीजिए तब जाके आपको सुख मिलेगा। तपस्या नहीं करने से हमको सुख नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला ना, ये बहुत तपस्या हम लोग पहले से किए हैं, इसलिए मनुष्य शरीर मिला, नहीं तो नहीं मिला। और फिर भी भारत में मिला, कोई चाइना में नहीं मिल गया, नहीं।
वो जैसे कई ये देश में नहीं, बंजार देश नहीं मिल गया, ये भारत देश में इतना पुण्य भूमि है, वहां पे हमको मनुष्य शरीर मिला, बहुत तपस्या हम लोग पहले से किए थे। तो इसलिए ऋषभ तो कह रहे हैं कि वास्तविक सुख पाने के लिए हमको तपस्या करना चाहिए। तो क्यों तपस्या करना चाहिए? तपोदीपम पुत्र का जैन सत्वतम, क्योंकि जीवन में सत्व गति को प्राप्त करने के लिए अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए ये तपस्या बहुत जरूरी है। और तपस्या में क्या मिलेगा? सुधैत जस्मात ब्रह्म सूक्ष्म अनंतम, उसमें हमारा जीवन का जितना सारे कर्मश है, क्योंकि भौतिक जगत में कर्मश हम जो कपड़े मेला हो जाते थे हम लोग साफ साबुन में धोते हैं, है ना, लेकिन हमारा अंदर में जो शरीर के अंदर जो कर्मश है उसको कैसे धोएंगे? इसके लिए तो कोई पाउडर नहीं बनाया सरकार ने, है ना, कोई कंपनी नहीं बनाया। तो ये तपस्या करने से ये धुलेगा, ये सफाई होगा। तो कलयुग में तपस्या काल हम बता रहे थे, क्या तपस्या कलयुग में? ये भगवान का नाम करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले युग में जो लोग तपस्या करने के लिए जाते थे वो हिमालय आते थे। यहाँ पे आप लोग रह सकते यहाँ पे? नहीं रह सकते ना, एक दिन के लिए इतना ठंडा रह सकते। पहले जमाने में पहले आपने सब तपस्या मतलब घर त्याग करना, सबको छोड़ना है। छोड़ सकते घर आप लोग? आपको कहें नहीं घर छोड़ दिया जी, आप छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते ना। तो तपस्या हम लोग क्या करेंगे? इस जन्म नहीं कर सकते तपस्या हम लोग, तो फिर हम लोग उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। जब पहले युग में सब करते थे तपस्या करने, सब हिमालय आते थे, यहाँ ठंड में भगवान को ध्यान करते थे, भगवान की तपस्या करते थे। तो इसी युग में हम लोग वास्तविक, अभी जो हम लोग आधुनिक युग में रहते थे इसी में ये नहीं कर सकते हम लोग। एक दिन के लिए आए थे, बड़ी कठिनाई है हमारे लिए, है ना। तो लेकिन ये तपस्या में सुख मिलता था उनको, क्या सुख मिलता था? ब्रह्म सुख मिलता था। वो हम इसी भौतिक शब्दों में नहीं बता सकते कि कैसे सुख मिलता है। जैसे कोई माता अपने बच्चों को बहुत दिन से नहीं मिला था, अभी मिल रहा है, तो उनको जो सुख मिलता है वो थोड़ी कोई बता सकता है, अब नहीं बता सकते ना। कोई पिता अपने पुत्र को स्नेह करता है, उसको कोई शब्द में तो नहीं बता सकता है ना, कोई शब्द नहीं बता सकते। तो इसी प्रकार जब हम भगवान को तपस्या करेंगे, तपस्या करने से हमको ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, अर्थात दिव्य सुख हमको मिलेगा। तो वो सुख में क्या होगा? जस्मत ब्रह्म सुखम ता अनंतम, और वो सुख कितना है? वो अनंत है, उसको कोई खत्म नहीं होता है इसका। और जितना आप उस तपस्या में रहेंगे उतना आपको सुख मिलेगा। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हम लोग कल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे ना, कल वहां पे हम लोग जो दोपहर में खाने के लिए रुके थे, तो हम लोग जब कीर्तन किए थे कि सभी लोग कैसे नृत्य करने नाचने लगे, हम किसी को बोले नहीं थे कि आप नाचिए, बाकी लोग जो कीर्तन करते माताएं वो लोग आगे नृत्य कीर्तन किए। क्यों? उनको सुख मिला, क्योंकि वास्तविक भगवान के नाम में सुख है। अपने जीवन में वास्तविक सुख है, हम लोग ढूंढ रहे हैं संसार में, भगवान का नाम कीर्तन करने से वास्तविक सुख है। इसलिए कहा जाता है कि ये भगवान का नाम है आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये आनंद को ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कराएगा। इसलिए यहाँ ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं कि ये ब्रह्म सुख आपको प्राप्त होगा, वो सुख अनंत है, जो वास्तविक हम लोग है ना। गर्मी का टाइम में तो हिल स्टेशन चला जाते हैं, ठंड का टाइम में तो गर्म देश चला जाते हैं, और घर में कुछ ये नहीं तो दूसरा व्यवस्था करते हैं सुख पाने के लिए, कितना ये करते हैं। लेकिन वो सुख कितने दिन के लिए रहता है? वो आज है तो कल खत्म हो जाता है कि नहीं? गर्म के बाद फिर ठंडा आता है, ठंड के बाद फिर गर्मी आता है, बारिश आता है, एक के बाद एक समस्या आता ही रहता है। उस कभी ये सुख परमानेंट नहीं रहता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में दुखालयम अशाश्वतम, ये जो जगह में हम लोग रहते हैं इसके जानते हैं ना इसका काम क्या है, ये दुख देगा हमेशा और अशाश्वत है। क्योंकि जैसे हम लोग औषध दुकान में जाते हैं ना, मेडिसिन दुकान में क्या मिलता है? वहां पे मेडिसिन मिलता है ना, वहां पे दवाई दुकान में क्या मिलता है? वहां जाकर आपको किराना सामान मांगेगा तो क्या बोलेगा? अरे पागल आदमी आ गया भाई, बोलेगा कि नहीं?
तो उसका नाम इसलिए क्या दिया, औषधालय दिया गया। और जैसे हम लोग कहते हैं विद्यालय, स्कूल, स्कूल में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है ना। और स्कूल में जाकर हम तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते, कर सकते क्या? इसलिए विद्या दान जाता है, इसलिए नाम उसका विद्यालय है। औषध मिलता है, इसलिए उसका नाम औषधालय है। अरे इस संसार का नाम क्या मालूम है ना, दुखालय है। यहाँ दुख मिलता है तो सुख कैसे मिलेगा बताइए? आप आके सुख मिलने के लिए ढूंढने गए तो कैसे मिलेगा? हमको कोई बेवकूफ आदमी बोलेगा ना कि अरे ये इसको मालूम नहीं है कहाँ जाके कहाँ खोज रहे हैं, है ना। तो भगवान करे कि ये दुख है, अरे दुख के संसार में हमको सुख कैसे मिलेंगे? लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए भगवान ने व्यवस्था दी है, क्या? ये तपस्या करना। तपस्या अर्थात ये कलयुग में भगवान का नाम करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पिता हो गए ये ऋषभदेव अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे कि आप लोग अपना जिंदगी में कभी भौतिक सुख के लिए ना दौड़े। वो तो भौतिक सुख जब हमको मिलना है वो तो मिल जाएगा। कुछ दिन पहले हम लोग प्रहलाद महाराज का, नरसिंह भगवान का जन्मतिथि मना रहे थे। वो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे हम लोग दुख नहीं चाहते, लेकिन दुख आता है कि नहीं आता है? कोई चाहता है कि रास्ते में जाने से उनको एक्सीडेंट हो जाए? कोई चाहता है सर? लेकिन हो जाता है कि नहीं हो जाता? अरे दुख नहीं चाहते हुए भी दुख आ जाता है। तो ऐसे सुख हम लोग चाहने से सुख नहीं आएगा, वो अपने आप ही आएगा। देख के जैसे दुख को कोई बुलावा नहीं भेजा है कि इसको इन्विटेशन कोई नहीं दिया कि दुख मेरे को आ जाओ आप, लेकिन वो आ जाते हैं अपने आप। तो ऐसे सुख सुख के लिए हम लोग क्यों ऐसे नाम इतना मरेंगे? सुख के लिए कितना कितना कठिनाई तब ये कर रहे हैं लोग, कितना कड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, क्या की जरूरी है? भगवान ने हमको दो रोटी दाल चावल खाने के लिए दिया कि आप साउथ इंडिया आए थे तो आपको इडली सांभर चाहिए, है ना। तो कितना खा सकता है आदमी, और उतने के लिए कितना घंटा परिश्रम करता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा परिश्रम करता है ना। नहीं भगवान उसके लिए मनुष्य शरीर नहीं दिया, मनुष्य शरीर तो दिया है बस हमारा घर गुजारने के लिए, जितना बस जरूरी है बस उतना ही इकट्ठा करो। वो 5 घंटा मिल जाता है तो ठीक है, 5 घंटा काम करना, बाकी 24 घंटा से बाकी दूसरा टाइम भगवान का चिंतन करना है। भगवान हमको 24 घंटा दिया, किसको तो कम नहीं दिया ना, किसको ज्यादा नहीं दिया। तो 24 घंटा को कैसे हम लोग व्यवहार करेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग में ये करेंगे तो फिर हमको इंद्रिय ये मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन बाद में क्या नरक जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसी समय को हम लोग जब भगवान के चिंतन में करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जीवन का अंत में जो मुझे स्मरण करेगा तो वही मेरे पास जाएगा। जैसे हम लोग ये यात्रा किए हैं, यात्रा करने का क्या उद्देश्य है? आप लोग सब आए हैं क्योंकि भगवान का धाम में आप लोग आए हैं। यहाँ पे जमुना जी यहाँ प्रकट हुए थे, जो जमुना जी इतना प्रिय है भगवान कृष्ण इनके लिए, इसमें लीला किए बहुत, तो वो धाम दर्शन करने के लिए आए हैं हम लोग। खड़ा बहुत हम लोग कठिनाई तो सहना पड़ता है क्योंकि हम लोग गर्म जगह से हैदराबाद से आए यहाँ पे ठंड जगह में। तो यही वास्तविक जीवन का तपस्या है। हम तपस्या इसलिए चाहते हैं कि हमको कुछ धर्मार्थ पे ये दाम मिले, हमको कुछ पुण्य मिले, कि भगवान का सानिध्य मिले, इसलिए हम लोग आते हैं। तो यही मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य है। बाकी सभी आप लोग को चाहे नहीं चाहे तो कोई समस्या नहीं है। जैसे कोई आजकल देखते हैं हम लोग, जो लोग कहते हैं कि नहीं अरे हम नहीं होते तो फिर दुनिया में क्या चलेगा, घर जैसे गुजारना होगा, कल आपका एक्सीडेंट में डेथ ये हो जाएगा तो क्या होगा, आपका घर बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा। बड़े बड़े कंपनी हम लोग देखते हैं, अंबानी कंपनी का, अडानी कंपनी का, सब कल उनका मृत्यु हो जाएगा, क्या वो कंपनी बंद हो जाएगा? उनका नहीं बंद होगा ना, वो चलेगा। तो बाकी सब चीज चलेगा अपने आप, कुछ दिन के लिए हाँ थोड़ा तकलीफ हो सकता है लेकिन वो चलेगा। लेकिन ये जो तकलीफ है मनुष्य समान ये जीवन का, वो तकलीफ कभी पूरा नहीं होगा, इसको हम लोग व्यवस्था करना पड़ेगा। तो व्यवस्था क्या है? ये ऋषभदेव कह रहे हैं कि भगवान को चिंतन करना, स्मरण करना, है ना। तो इसलिए ये चार धाम यात्रा में हम लोग आए हैं इसी के उद्देश्य में कि भगवान का कैसे चिंतन हमारा आए, नहीं तो दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं है। हम लोग यहाँ हिल स्टेशन घूमने के लिए नहीं आए, कैसे घूम के जैसे लोग आते हैं, कई लोग, कई सारे लोग भी आते हैं यहाँ पे,
पैसा बहुत खर्च करते हैं और हिल स्टेशन घूम के जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं वहाँ गर्मी है, अभी दिल्ली इसमें बहुत सारे गर्मी है, तो यहाँ पे हिल स्टेशन में कुछ दिन रहता है। पैसा दिए भगवान ने, पैसा कैसे बर्बाद करते लोग। लेकिन हम लोग भी पैसा खर्च करते हैं आने के लिए, लेकिन वो पैसा को सदुपयोग कर रहे हैं। इसलिए ये जीवन का आनंद सुख प्राप्त करने के लिए, जो भगवान का भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन में उनका स्मरण कर लिए, तो इसलिए ये यात्रा का उद्देश्य यही है। हम लोग का विचार करना चाहिए और जीवन में हम लोग को भगवान ने जो जिसको जिसको भगवान ने जो जो कुछ दिया आप लोग को कर्तव्य करने के लिए, बस उसी कर्तव्य का आप निमित्त मात्र बना कीजिए। हाँ, बस करना है इसको, 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा करें, 10 घंटा करें, जितना आपको ये दिया गया बस उतना कीजिए। बाकी समय क्या करना है, भगवान का चिंतन करना है ना। भगवान का चिंतन करने से ही वास्तविक हमारे जीवन का परम सुख हमको मिलेगा। भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। देखिए भगवान का चिंतन कौन करते, प्रहलाद महाराज के बाद हम लोग कह रहे थे कि चिंतन कर रहे थे, तो उनका पिता जो हिरण्यकश्यप कितना सारा व्यवस्था किया उनको मारने के लिए, मार पाया क्या उनको, उसको दुख सताने के लिए कितना सारा पीड़ा दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा जिंदगी भी ऐसा होगा, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आएगा, लेकिन जब भगवान का स्मरण करेंगे वो दुख कैसे चला जाएगा हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जैसे कोई पड़ता है, हमारा पैर में कोई चोट लग जाता है, कट जाता है हार, हम लोग ओ माँ ये करके चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने से क्या होगा, दुख मिट जाता है, नहीं मिटता है ना। लेकिन भगवान का स्मरण करेंगे तो वो दुख मिट जाता है हमारा। तो यही वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे ऋषभ देव ने देखिए पिता होके ये शिक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सब घर गृहस्थी हैं, पिता माता हम लोग बने हैं, अपने बच्चों को जब हम बचपन से उनको ये शिक्षा दें तब जाके क्या होगा, बड़े होने से क्या कि वो अपने जिंदगी में अच्छा इंसान बन सकता है, नहीं तो क्या होगा, जैसे आजकल टेढ़े ऋषि बनते हैं बच्चे, है कि नहीं, वो भी किसका कोई माँ बाप का बेटा है ना, नहीं उनको कोई शिक्षा नहीं दिया उनका पिता माता ने, तो इसलिए वो टेररिस्ट मतलब अपने पिता माता को मारते हैं, देश को इतना नुकसान पहुंचाते, सब ऐसे करते हैं, करते कि नहीं करते थे, अब देखा है ना, वो भी इंसान है ना हमारे तरफ, उनका तो उनका तो 6 हाथ नहीं है ना, 10 हाथ नहीं, हमारे तरीका है 2 हाथ है 2 पैर है, अरे किसी माता पिता का बच्चे भी है वो लोग, लेकिन संस्कार का कमी से ये लोग ऐसे बन गए। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी पिता माता होने के नाते है कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार हम लोग को दिलाए, चाहे कहीं भी जाए बच्चे, यहाँ पढ़े बाहर में अमेरिका में पढ़े इंग्लैंड में पढ़े कहीं भी पढ़े, तो उनका ये संस्कार जब हम उनको देंगे तो अच्छा इंसान बनेगा, नहीं तो वहां जाके नशा करेगा शराब पिएगा ये करेगा, हमारा अच्छा उसको शिक्षा नहीं देंगे तो ऐसे ही होगा। तो इसलिए ये ऋषभ महाराज ये ऋषभ देव ये शिक्षा दे रहे अपने, वो राजा थे पूरे भूमंडल का राजा थे ऋषभ देव, राजा होकर देखिए कितना अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा शिक्षा हम सबके लिए कि आप लोग सभी घर गृहस्थी बना रहे गृहस्थ भक्त हैं, तो इसलिए हम सोचा कि इसकी बारे में चर्चा करने के लिए, ताकि आप लोग को अच्छा फायदा उसमें मिल सकते हैं, कुछ शिक्षा लाभ करके आप जाए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग कल पे कहे थे हम लोग जमुनेत्री का बारे में कि जमुनेत्री ये जमुना जी कैसे आए प्रकट हुए, तो वास्तविक इनके उद्गम स्थल तो हम लोग नहीं बता सकते, कोई भी बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी परीक्षा किए थे पहले कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कभी हिमालय का ऊपर जाके वो लोग बहुत सारे ड्रिल व्रिल करने का व्यवस्था किए थे कि पानी कहाँ से आ रहा है, वो किसी को मालूम नहीं पड़ा। जैसे गंगोत्री हम जाते हैं, गंगोत्री में कल जाएंगे हम देखेंगे और करे उसका आगे गोमुख है, वो कहते हैं कि वही से आ रहा है, लेकिन वो पानी आ रहा है कहाँ से, पत्थर से तो नहीं आएगा ना, जैसे पत्थर आप रख देंगे पानी थोड़ी आ जाएगा, अरे हिमालय पूरे पत्थर है ना, अंदर ऊपर बर्फ देख रहे हम लोग, तो पत्थर से कहाँ पानी आएगा, नहीं वो क्या कि भगवान के धाम से आता है ये पानी, इसलिए इतना पवित्र माना जाता है गंगा नदी, इसलिए हम पवित्र नदी को जाकर नहाते हैं, ये भगवान के धाम से ये प्रकट होते हैं, ये नदी जो जमुना नदी में हम लोग जाएंगे कल हम लोग कर रहे कि भगवान धाम से प्रकट हुए हैं। तो इसलिए ये तो हम लोग के भौतिक जगत में है, हमारा आंख में एक रहना चाहिए सोर्स दिखाने के लिए, तो इसलिए ये यहाँ बना गया,
ये मंदिर बनाए, कोई राजा महाराज लोग आके बनाए, लेकिन वास्तविक इसके उद्गम स्थल जो है जन्मनाथ जी की, ये भगवान के धाम से आया है। तो यहाँ पे हमारे सामने के लिए देखने के लिए कि हम इतना तक देख सकते हैं, बाकी ज्यादा तो नहीं जा सकते, हमारे आखे को देखने के लिए ये व्यवस्था किए गए। अरे हम लोग इतना भाग्यशाली हैं क्योंकि ये पुराण में वर्णन किए गए, भविष्य पुराण में, क्योंकि जब कलयुग का ज्यादा प्रभाव होगा, ये गंगा जी, जमुना जी, ये सब लुप्त हो जाएंगे, जितना सारे तीर्थ नदियां हैं वो सब बंद हो जाएंगे बहना। जैसे आप लोग यहाँ पे कृष्णा कावेरी जो जितना सारे दक्षिण भारत में आपके नदी है, वो सभी नदी लुप्त हो जाएंगे, तो वहां पे सब बड़े बड़े फैक्ट्रियां कहानियां ये सब ये होगा, लोगों का इतना पाप बढ़ जाएगा तो नदी लोग कोई पुण्य देने के लिए अभी नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम लोग अभी बड़े भाग्यशाली हैं, ये पुण्य नदी बह रही है, हम उसके स्नान करने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। सभी नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, सभी अपने कपड़े लेके जाइए नहाने के लिए। अभी चलने के 2 घंटे लगेगा, आप लोग थोड़ा पैदल में धीरे धीरे करके चलेंगे, तो नहीं तो किसको तकलीफ है, तो 6 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, और रास्ता इतना ये पहाड़ में, जैसे आप लोग दक्षिण भारत में गया ना वहां पर हवा ऐसे नहीं है, तो प्लेन रास्ता है, थोड़ा चलने के लिए चढ़ाई चढ़ाई पड़ेगा, आराम से आप जा सकते हैं 2 घंटा में, 6 किलोमीटर भी जा सकते हैं आप 2 घंटा में, फिर वापस आ जाएंगे धीरे धीरे वहां पे। तो रास्ता में प्रसाद देंगे आपके लिए, लंच प्रसाद देंगे, ताकि आप लोग कोई देर है तो ये करके आ सकते आराम से वहां पे दर्शन कर। वहां पे गर्म 2 कुंड है वहां पे, एक सप्तर्षि कुंड है और एक दूसरे से गर्म पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तप्त कुंड है। तो देखिए यहाँ इतना बर्फ भी पड़ता है तो फिर वहां गर्म पानी मिलता है, अपने आप आता है गर्म पानी, पी सकते हैं, लेकिन उसमें तो तुरंत निकाल के पीने बहुत गर्म है ना, तो उसको ठंडा पानी मिला के पीते हैं। तो 2 कुंड है आपको नहाना है वहां पे, है कि नहीं। एक तो जमुना की नदी में नहाना है, और वो जमुना की नदी से वो पानी जो आया तप्त कुंड हो गए उसमें नहाना है। ऐसे कहते हैं कि इसमें एक बार कोई नहाए तो उनके जिंदगी भर में जितने सारे पाप कर्म से सभी दूर हो जाते हैं, है ना। तो जमुना जी के पास ये यहाँ सप्तऋषि जो थे वो तपस्या कर रहे थे, उसी हम कहते हैं ना कि तपस्या के लिए ही हिमालय से लोग आते थे तपस्या करने। तो इसलिए आप लोग अपने को तैयार रहिए, आ रही है तो 1 दिन के लिए हम गए, 2 दिन के लिए कि 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ठंड का थोड़ा ये कष्ट इसलिए हम लोग सहना पड़ता है कि कुछ जीवन में ये पाने के लिए, है ना, कि भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोग, जैसे कोई हायर टेस्ट मिलता है हम लोग, बड़े नौकरी मिलने से छोटे नौकरी से छोड़ देता है कोई, इसीलिए हम लोग जीवन में थोड़ा कष्ट में लेते हैं अभी 8-10 दिन, लेकिन हमारा इसका नतीजा क्या मिलेगा, अनंत सुख हम जैसे यहाँ पे गए, है ना, वास्तविक सुख मिलेगा हम लोग को, है ना। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हर कोई अनाउंसमेंट है तो आप कर सकते हैं आपका भाषा में। Yes, sir. Yes, sir.